दोस्तों आईपीएल नीलामी में नहीं बिका ये क्रिकेटर, अब लेने जा रहा है संन्यास। जीत चुका वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन के लिए मेगा ऑक्शन हाल ही में खत्म हुआ है। इसके बाद अब आईपीएल के स्टार संन्यास की खबर सामने आई है। तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया। कौल ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले, जिसमे कुल 4 विकेट भी झटके। 34 साल के कौल ने पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेला और 88 फर्स्ट क्लास मैचों में 26.77 की औसत से 297 विकेट लिए। उन्होंने 17 बार 5 विकेट भी लिए हैं। सिद्धार्थ कौल 2008 में विराट कोहली की कप्तानी वाली अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जब आईपीएल खिताब जीता था, तब सिद्धार्थ कौल टीम का हिस्सा थे। हालांकि उस सीजन में कोई मैच नहीं खेल सके थे। कौल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने कहा, बचपन में पंजाब के खेतों में क्रिकेट खेलता था, तो देश के लिए खेलना मेरा एक सपना था। कौल ने 2013 से अब तक आईपीएल में कुल 54 मैच खेले, जिसमें 29.24 के औसत से 58 विकेट झटके। फरवरी 2019 के बाद से भारत के लिए नहीं खेले। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में भी सिद्धार्थ कौल को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, मगर नीलामी के दौरान उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। सिद्धार्थ की बेस प्राइस 40 लाख रुपए थी।